स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम क्वेश्चन आंसर का क्लास करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग का कल कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज में है। ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना, 2021 एडिशन का, ठीक है। और एक बात, अगर आपने टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है अभी तक तो प्लीज खरीद लेना, और मेरा कोड यूज करना CTMV7N, ठीक है, 7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, और आपने जो है अच्छे से उस टेस्ट सीरीज को देना है और टेस्ट सीरीज एनालिसिस करना है। यहाँ पे टेस्ट बुक पर 200+ कुछ तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मतलब अलग अलग जितने भी पोस्ट होते हैं उनके लिए अवेलेबल है, तो इनका आप फायदा उठाना, ठीक है। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम जो 1000+ प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं उसका ये क्लास नंबर 3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। बट पूरी ऑल ओवर द इंडिया इन्फोर्स कब किया गया था? वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये ऑल ओवर द इंडिया इन्फोर्स किया गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। तो ये 26 नवंबर डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंटरलिंकिंग करते चलो हर एक क्वेश्चन के साथ, आपने है ना बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टेस्ट सीरीज दो, भले आपको कुछ आता नहीं हो फिर भी टेस्ट सीरीज दो, भले आपने पॉलिटी पढ़ रखा हो नहीं पढ़ रखा हो फिर भी वीडियोस देखो, इससे आपका दिमाग खुलता है। और ऐसा ही अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक मार्क्स तो पक्का हो जा रहा है, ठीक है, और एक एक मार्क्स से आपका रैंक इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आप टॉप 10 में हो, टॉप 50 में हो, 100 में हो, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, अनुसूचियां कितनी है। तो हमारे संविधान में जो है 12 शेड्यूल्स है, कितने, 12 शेड्यूल है। तो ये फैक्चुअल बात है, डायरेक्टली आपको याद करना है। जैसे हमारे बॉडी में जो रिब्स होती है वो 24 रिब्स होती है। अब इसको क्या आप 24 कैसे मैम एंड क्यों मैम ऐसे तो नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि वो 24 ही है, उसी तरह से शेड्यूल 12 ही है, याद कर लो इसको, फैक्चुअल है, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज, पंचायत राज के लिए भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में पंचायत राज की राज स्थापना का प्रावधान है। तो ये आर्टिकल 40 के हिसाब से पंचायत राज का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर है। पॉलिटी में एक्चुअली पता है क्या, स्टार्टिंग में पूरी कहानी है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी कि किस तरह से यू नो पॉलिटी इवॉल्व हुआ, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। एंड फिर बाद में जो है ना पॉलिटी में जो मेजर पोर्शन ऑफ पॉलिटी इज ऑल अबाउट फैक्चुअल थिंग, तो वहाँ पर आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप उसका रिविजन नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, भीड़ से बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ आपने जो मेरा ई बुक परचेस कर रखा है उससे पॉलिटी पढ़ना, वो जो पॉलिटी लिखा हुआ है आपको उतना बढ़िया तरीके से कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हमारा खुद का कॉपीराइट है उसके ऊपर, कोई एक्सेस इतना अच्छा आपको नोट नहीं दे सकता। तो प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए खुद के अंदर, ठीक है, बहुत बहुत ही कम पैसे है उसके, 239 रुपीज़, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं है। आपकी एक सैलरी का पता नहीं कितना गुना होगी आपकी सैलरी उससे, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए कहीं पर भी कोई भी बुक मत खरीदो आपको, हम जो इकोनॉमिक्स का, मार्केटिंग का, कस्टमर रिलेशन एंड मार्केटिंग का जो हम नोट्स देंगे फ्री में अवेलेबल करा के देंगे, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी, ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं इन्वेस्ट करो आपका पैसा, अदरवाइज कहीं पर भी मत। इकोनॉमिक्स का जो हमने नोट्स दिया है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटेड लिख के ले लो। क्या करना है आपको, अगर आपने मेरे इकोनॉमिक्स के पूरे लेक्चर देख लिए तो फिर से उसको एक बार 1.25 जो स्पीड होती है उसके ऊपर करके देख लेना, 3 बार देखना है उसको आपको, रिविजन करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है।
तो ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है, ठीक है, पूरे स्टेट्स का एक यूनियन घोषित करता है, राज्यों का एक संघ। ओके, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। तो देखो क्या होता है, एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 25 पार्ट्स है, कितने हैं, 25 पार्ट्स है, ये भी क्वेश्चन बनता है, 25 पार्ट्स है, और ये अलग अलग जो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट टू, ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एंड सो ऑन, तो इसमें ना कॉम्बिनेशन होते हैं आर्टिकल्स के, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ग्रुपिंग होता है, जैसे पार्ट वन में आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर तक का ही मेंशन किया गया है, उतना ही सब्जेक्ट वहाँ पर मेंशन किया गया है, आर्टिकल सॉरी पार्ट थ्री में जो है पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट दिए गए, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 25, 27, 28, 29, 30, 32 तक, एक्चुअली इस तरह का दिया गया है, तो वो पार्ट नंबर थ्री में दिया गया है। तो ये जब पार्टीशन वगैरह हम पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रही हूँ कि भाई पार्ट्स यानी कुछ नहीं है, उसमें आर्टिकल का एक तरह से ग्रुपिंग करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, वो है पार्ट नंबर थ्री, ठीक है, पार्ट नंबर थ्री जो है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हम जो है फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, आर्टिकल 32 के बारे में भी पढ़ेंगे, अलग अलग रिट्स क्या होती है, रिट्स कौन कौन जारी कर सकता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, आप सिर्फ हम पे भरोसा रखिए, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में टोटल 22 भाषाओं को एक तरह से सम्मति दी गई है, मान्यता दी गई, कितने टोटल 22 लैंग्वेजेस को जो है यहाँ पर सम्मति दी गई है, और उसमें एक फॉरेन लैंग्वेज है, वो है नेपाली, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था और फिर से बनेगा कि अब हमारे जो संविधान है उसमें जो फॉरेन लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट की गई है, मान्यता दी गई है, तो वो है नेपाली, कौन सी, नेपाली। वन मोर थिंग कि क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हमारे सारे के सारे लैंग्वेजेस जो दिए हैं वो कौन से शेड्यूल में दिए गए हैं, तो ये 8th नंबर के शेड्यूल में दिए गए हैं, कौन से, 8th नंबर के शेड्यूल में दिए गए हैं, 8वें शेड्यूल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इंटरलिंकिंग करते चलो, जब आप पूरा पढ़ लोगे ना तो इंटरलिंकिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, और आप लोगों के पास टाइम है इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने PDF से रिविजन करना है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित भारतीय संविधान अनुच्छेद कौन सा है। तो देखो अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 है, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, की सबके लिए लॉ जो होगा, कानून जो होगा वो सही से चलेगा, ठीक है। आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 वगैरह जो है वो फ्रीडम देते हैं रिलीजन से रिलेटेड। आर्टिकल 23 एंड 24 देते हैं कि अबोलिशन ऑफ जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है आपको कि आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 23 कहता है कि ऑफिस के जगह आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, एक इंसान का काम एक ही इंसान करना चाहिए, ना कि 10 इंसान का काम एक इंसान, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द, तो सिक्किम जो है किसके तहत भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था। तो ऐसा नहीं था जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो सारा इंडिया जैसे आप अभी मैप पर देखते हो उस तरह से था, नहीं था वैसे। पहले क्या होता था, जो भी राजा महाराजा जितने भी स्टेट्स में थे, जैसे हैदराबाद अलग स्टेट्स था, सिक्किम अलग था, जम्मू कश्मीर अलग था, तो ये जो प्रोविंस थे ये राजा महाराजा ही चलाते थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो कि उनके हार्ड वर्क के वजह से हम यूनाइटेड इंडिया देख सकते हैं, पूरा यूनाइट हुआ वो इंडिया देख सकते हैं, इसीलिए हम 31 अक्टूबर को यूनिटी डे करके मनाते हैं। 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ यूनिटी डे बिकॉज उन्होंने जो है
इस तरह से पूरा यूनाइट कर रखा है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एकदम स्टोरी की तरह मतलब सुनाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कितनी मेहनत के बाद एक्चुअली हम पूरा इंडिया देख पाते हैं, हम कितने लकी है एक्चुअली, हम हमारे एंसेस्टर्स ने इतना अच्छा काम कर रखा है हमारे लिए। तो सिक्किम जो है वो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया में शामिल हुआ है, ठीक है। 36वां संशोधन हुआ था तब जाकर इंडिया में शामिल हुए हैं। एक्चुअली इंडिया के संविधान में इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिया में शामिल होना चाहते हो, पहले मैंने कहा ना पहले अलग अलग थे स्टेट, तो अगर आप इंडिया में शामिल होना चाहते हो तो एक बार शामिल होने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। दूसरी बात, इंडिया जो हमारा संविधान है, पार्लियामेंट है, उसी को हक है कि वो जो है कोई भी स्टेट का एक तो एरिया बढ़ा दे या कोई भी स्टेट का एरिया कम कर दे, नाम चेंज कर दे, अलग स्टेट बना दे। जैसे कि तेलंगाना आप देखते हो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्रा से अलग हुआ है। तो ये हक जो है पार्लियामेंट को रहता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम आगे, डोंट वरी। तो इसका सही आंसर क्या है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है पॉलिटी तो मुझे एक बात बताना, जितना मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये आपने सच में पहले पढ़ रखा है या फिर आपको भी अच्छे से डिटेल में इस तरह से पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एज अ वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानिक उपचार के अधिकार को किसने भारतीय संविधान का दिल और आत्मा माना है? तो ये राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से आर्टिकल 32 जो है वो हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है, दिल और आत्मा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज लाने का एक तरह से आपको हक देता है कॉमन पीपल को, ठीक है। अगर कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही हो, फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई बात हो रही हो, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसको खींच सकते हो, दावा लगा सकते हो कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का अबोलिशन हो रहा है, और ये हम कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसीलिए आर्टिकल 32 को, बहुत बार क्वेश्चन बना है तो प्लीज याद रखना, आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को और क्या कहा जाता है, हमको कहा जाता है आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन मोर थिंग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही हमारे इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बने हैं। पहले लॉ मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इन्होंने ही बहुत सारा दिमाग लगाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुझे याद आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है हमारे पहले प्रेसिडेंट, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट। दूसरे प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब मैंने दूसरे प्रेसिडेंट का नाम क्यों लिया, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वही व्यक्ति है जो पहले नॉमिनी थे, पहले नॉमिनी एक्चुअली पहले अवॉर्डी थे भारत रत्न के। तीन लोगों को भारत रत्न मिलता है, हमेशा याद रखना, भारत रत्न जो है वो तीन लोगों को मिलता है, 1954 से स्टार्ट हुआ है, तीन ही लोगों को दिया जाता है। तीन मतलब कि सपोज अगर 2021 का भारत रत्न दे रहा है तो सिर्फ आप तीन लोगों को दे सकते हो, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं होती है। तो जो पहला भारत रत्न हुआ था 1954 में, वो किसको किसको मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो दूसरे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और सी वी रमन को मिला था और सी राजगोपालाचारी को मिला था। अब सी वी रमन को क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने, ये मैंने लिख कर दिया है मेरे जो पॉलिटिका नोट्स है उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लिख के दिया है, सी वी रमन जी को क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने जो है रमन इफेक्ट का आविष्कार किया था। इसी के चलते 28th of February 1928, ये भी डेट आपको याद रखना है, 28th of February 1928 को इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। किसमें, फिजिक्स में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको याद रखना है। तो तीन जो थे अवॉर्डी थे 1954 में, वो क्यों मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है, इंटरलिंकिंग ऐसे करो कि पूरा जाल बन जाए, दिमाग भी बोले भाई क्या मतलब ज़बरदस्त पढ़ाई की है तूने, अब तू ही पास होगा, बस ऐसे ऐसे होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपको कमांड होनी चाहिए हर सब्जेक्ट पे। ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉलिटी अच्छा आना चाहिए, हिस्ट्री अच्छा आना चाहिए, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स अच्छा आना चाहिए, रीजनिंग अच्छा आना चाहिए, तब आप ना कोई भी एग्जाम निकालोगे, मतलब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, गारंटी देती हूँ मैं, आप इकट्ठा सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ऑल द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत निम्नलिखित सभी मौलिक अधिकार है सिवाय। तो देखो कौन से राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि मैंने कहा आर्टिकल 14 के तहत हमको इक्वालिटी का राइट दिया गया है, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार। दूसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एज आई सेड अर्लियर आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तो है फंडामेंटल राइट। बाकी राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका को पर्याप्त संसाधनों का अधिकार, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों ये फंडामेंटल राइट नहीं लिखा गया, आप देखना अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, ठीक है, लॉकडाउन लगा था, अभी भी फिलहाल सब कुछ लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन कह सकते हो आप उसको, तो इसमें भी क्या कहते हैं लोग क्या करते थे कि सुप्रीम कोर्ट में दावा ठोक देते, सुप्रीम कोर्ट में दावा इस तरह से ठोक देते कि देखो लॉकडाउन तो लग गया, फिर हमारे खाने के लाले हैं, हमको खाने के लिए अनाज चाहिए, तो हमको खाने के लिए अनाज कौन देगा, हमारे रहने की व्यवस्था कौन करेगा, हमारे आवन जावन की व्यवस्था कौन करेगा, सरकार को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट है, इस तरह की चीज़ ना हो इसलिए ये फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा गया है, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे देखो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आपको जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कोई भी धर्म और रिलीजन को जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, एज कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। ओके बच्चों, तो इतने थे क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं थे, 10 क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, प्लीज़ रिवाइज कर लेना अच्छे से। पॉलिटी अगर आपने खरीद रखा है मेरा पीडीएफ तो प्लीज़ रिवीजन मस्ट है, आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।